देखिए आज मोर्चे के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 दिन के उपलक्ष्य में आज लाखों का इकट्ठ शंभू, खनौरी, डबवाली, रतनपुरा, राजस्थान में हो रहे हैं। जिस तरह से कुछ ऐलान हमने कर रखे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा पंजाब हरियाणा में उनके घरों के आगे जाएंगे, जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी ओर भी काफले लेकर जाएंगे सवाल करने के लिए। हमारा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसी के साथ साथ 2 जून को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इस मोर्चे को और बड़ा करने के लिए इस तरह से 13 फरवरी की तरह जथे यहाँ पहुँचेंगे। और आज देश के समक्ष फिर बात रखेंगे कि भारत सरकार ने हाईवे के ऊपर दीवारें बना के हमें यहाँ क्यों बैठाया हुआ। हम देश के किसान मजदूर हैं, हमें राजधानी में जाकर प्रोटेस्ट करने का हक दिया जाए। हमारे ऊपर जिस तरह से रबड़ की गोलियां, बुलेट, 12 बोर की बुलेट, हांजू गैस और ड्रोन से जिस तरह से हमले किए गए हैं, गैस का इस्तेमाल किया गया, वो देश के समक्ष रखेंगे। जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्स हमारे ऊपर लगाई गई, शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं मिला और दोषी को फिर टिकट दे देगी। MSP गारंटी कानून सरकार बना के दे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है नरेगा 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी, भारत WTO से बाहर आए, इन मांगों को फिर दोबारा देश के समक्ष रखा जाए। देखिए हम तो कह रहे विरोध नहीं, सवाल करने का मौका जरूर प्रशासन दे हमें, विरोध भी नहीं करेंगे, नहीं कोई बोलने देगा, विरोध तो काले झंडे से करेंगे। हाँ देखिए आपने भी वीडियो देख लिया है, तो मुझे लगा अब भाजपा, मुझे लगा अनिल विज जी ने बड़ा दिल कर अब जो भाजपा का पाप किया कमाया था उनको मान लिया, अच्छी बात है। देखिए आज मोर्चे के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 दिन के उपलक्ष्य में आज लाखों का इकट्ठ शंभू, खनौरी, डबवाली, रतनपुरा, राजस्थान में हो रहे हैं। जिस तरह से कुछ ऐलान हमने कर रखे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा पंजाब हरियाणा में उनके घरों के आगे जाएंगे, जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी ओर भी काफले लेकर जाएंगे सवाल करने के लिए। हमारा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसी के साथ साथ 2 जून को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इस मोर्चे को और बड़ा करने के लिए इस तरह से 13 फरवरी की तरह जथे यहाँ पहुँचेंगे। और आज देश के समक्ष फिर बात रखेंगे कि भारत सरकार ने हाईवे के ऊपर दीवारें बना के हमें यहाँ क्यों बैठाया हुआ। हम देश के किसान मजदूर हैं, हमें राजधानी में जाकर प्रोटेस्ट करने का हक दिया जाए। हमारे ऊपर जिस तरह से रबड़ की गोलियां, बुलेट, 12 बोर की बुलेट, हांजू गैस और ड्रोन से जिस तरह से हमले किए गए हैं, गैस का इस्तेमाल किया गया, वो देश के समक्ष रखेंगे। जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्स हमारे ऊपर लगाई गई, शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं मिला और दोषी को फिर टिकट दे देगी। MSP गारंटी कानून सरकार बना के दे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है नरेगा 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी, भारत WTO से बाहर आए, इन मांगों को फिर दोबारा देश के समक्ष रखा जाए। देखिए हम तो कह रहे विरोध नहीं, सवाल करने का मौका जरूर प्रशासन दे हमें, विरोध भी नहीं करेंगे, नहीं कोई बोलने देगा, विरोध तो काले झंडे से करेंगे। हाँ देखिए आपने भी वीडियो देख लिया है, तो मुझे लगा अब भाजपा, मुझे लगा अनिल विज जी ने बड़ा दिल कर अब जो भाजपा का पाप किया कमाया था उनको मान लिया, अच्छी बात है।